शब्दाय अवतार शब्द गुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चावर शतर तख्त मालिक राज आन राज पान आन पान देव आन देव उपमा महान नाम बाणी दे जहाज तन 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 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिया दी चरण सरन विच हाजरी विच हजूरी विच परम सत्कार योग संत बाबा सुच्चा सिंह जी दी पंजवीं बरसी के समागम विच एकत्र हो जुड़ बैठी सतसंग जीओ देहो असीस मुख रसना पवित्र करो अते उचारण करो जी सत नाम श्री वाहे सत नाम श्री साहबां दा पवित्र पावन फुरमान है जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया साध संगे तिनी दर्शन पाया। पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज फुरमा रहे हैं मैं उन्होंने जीवंदियां देखिए उन्होंने भी देखिया तो देख आप भी रहे हैं। आप भी देख रहे हैं ना इत्थे बैठी हुई संगत विच्चों केड़ा ऐसा मनुख है जिसकी जीभ कह देवेगी कि संत बाबा सुच्चा सिंह जी मर गए ने। केड़ा ऐसा मनुख है मैं समझदा कोई भी नहीं। मरते वो जांदा है जिसका कोई नाम नहीं लैंदा तो जिसका नाम लै लै के नमस्कारां कीतियां जान मत्थे टेके जान जिन्हां दियां यादां मनाईयां जान अते यादां मनाउण लई इतने वड्डे इकट्ठ कीते जान वो तो सदा ही जिउंदे ने। पर जिउण वालियां दी कोई एक निशानी है कौन जिउंदे ने जिन्होंने नाम त्याया है जिन्होंने नाम सिमरिया नाम सिमराया बस उही जिउंदे ने ते जिन्होंने आप नाम नहीं जपिया किसे तो नाम नहीं जपाया वो तो मर गए ते मर गया था कोई नाम नहीं लैंदा। साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाम ओ साकत माया वेड़िया मनुख विचारा उते मर गया कदों मर गया जदों उसका कोई नाम ही नहीं लैंदा। कबीर साकत ही सूकर भला राखे आछा गाओ साकत बपड़ा मर गया कोई ना लै है ना। ते ख्याल कर लेना जेड़ा नाम नहीं जपदा नाम नहीं सिमरदा तो सिर माया दे धंधे कार विहार ही करता रह जाता है ना बस उमर जाता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि उसका कोई नाम लैंदा ही नहीं। पंचम पातशाह फरमा रहे ने 178 अंग अगले मोए से पाछे परे जेडे अगले सन साढ़े तो पहले सन वड वडेरे सन जदों मर गए वह पिछे पै गए अगले मोए से पाछे परे बस पिछे पा दिते। ते ख्याल कर ला नाम जापन वालों आप कदे पिछे नहीं पाते उन्होंने तो सदा अगे रखते हैं। आ सतपुरशां नूं महापुरखां नूं वेखो संगत विच भी अगे बिठाया गया
जिन्हां दी याद मनाउंदे आ, जिन्हां नूं नमस्कार करदे आ, मत्था टेकदे आ, पूजा करदे आ, उन्हां नूं हमेशा अगे रख के सामने फिर मत्था टेकिया जांदा है। ये नहीं कि उन्हां नूं पिछे कर दिता जाए, पिठ ते पिछे कर दिता जाए, नहीं। अगले मोए ये सख्त लोग, माया वेड़े लोग, कर कर था के वड़े वडेरे, किन्हीं ना किए काज माया पूरे। ओ लोग अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे सो बंद लक खरे, जे धंधे में ओए लपटाए, उनते दुगण दिड़ी उनमाए। पर जिन्हां नूं सामने रखिया जांदा है, जिन्हां दियां यादां मनाईयां जांदियां ने, अते याद की है, ओह गुर शब्द दे नाल जुड़े, उन्होंने गुर शब्द दे नाल जुड़िया, ते अज असी उन्हां दी याद मनाउंदे होए भी गुरु शब्द गुर ज्ञान दे नाल ही जुड़ रहे हाँ, गुरु उपदेश दे नाल ही जुड़ रहे। जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया। इस वास्ते सतगुरां ने फरमाया, जम्मन मरण ना तिन को, जो हर लड़ लागे। जीवत से परवान हुए, हर कीर्तन जागे। ओ जिउंदे भी परवान ने, संसार विच रहिंदे होए, संसार विच दे सामने दृष्टि विच आउंदे होए भी परवान ने, ते जदों संसारियां दी दृष्टि तो ओले हो जांदे ने, ते निरंकार दे दर ते ते परवान ही परवान ने। पंत परवान, पंत प्रधान, पंचे पावै दर गै मान, पंचे सोहै दर रा जान। उसका एक कोई कारण, पंचा का गुर एक दियां। जीवत पेखे बस, नहीं तो संसार दी जो खेड है, संसार दे अंदर तां रहन ना पावे सुर नर देवा, ओड़ सितारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया। नहीं तो संसार ते की वापर है, बादशाह शाह वापारी मरना, जो दिसे सो काले खरना, कूड़े मोह लपट लपट आना, छोड़ चलिया तो फिर पछताना। पर एक कोई करदास, कृपा निधान नानक को करो दाते, नाम तेरा जपी दिन राते। एहो असी अरदास करनी है कि सतगुरु साढ़े ते कृपा कर, साढ़े ते रहमत कर, असी भी तेरा नाम जप सकीए, नाम सिमर सकीए, ते नाम जपन वालियां दी याद विच ही असी एकत्र हो जुड़ बैठे हाँ। सतगुरु रहमत करन, कृपा करन। हुण दूसरी गल, कई बार संसार दे लोग कह देंदे ने कि लाओ जी आओ ते असली संत, आओ ते नकली संत, ते ये गल है भी सच्चाई। सच्चाई ते है, पर कहन दा ढंग एक वखरा है। जेड़ा संत है ना, वह हमेशा असली ही हुंदा है, वह कदे नकली हुंदा ही नहीं, नकली ते पखंडी हुंदा है। पर कई बार की वापरदा है, एको एक मिसाल दे दियां, हंस भी सफेद है ते बगला भी सफेद है। हंस भी सफेद है, बगला भी सफेद है, पर ख्याल कर लेना रंग ते तो उन्हां दा सफेद है। जेड़े भुलेखा पाउण वाले ने, पखंड करन वाले ने, वह भी असलियां वर्गे ही कपड़े पा लैंदे ने। लेकिन पहचान कित्थों आएगी? उस दे चित तों, उस दे कर्म तों। सतगुरां ने फरमाया ना, चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जी। लाओ जी, एक तो उसका चित मैला होगा, एक उसके चित विच कठोरता होगी, दया नहीं होगी, दयालता नहीं होगी, कठोरता।
ते जेड़ा असली है जेड़ा सतगुरु दे शब्द नू मनन वाला है पूजन वाला है सिमरन वाला है ते उसनू तो पता है सतगुरु सदा दयाल है। सतगुरु दे कोल ते सदा ही दयालता है, सदा दयालु है, सदा कृपालु है, उसके चित्त विच कठोरता नहीं है, मैल नहीं है। हुण हंस दी पहचान उसके कर्म तो है ते बगले दी पहचान भी उसके कर्म तो है। सरवर हंस तुरे ही मेला खसमे एवे पाना सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। लो जी हंस की खुराक की है। सारे सतपुरुष महापुरख बैठे ने, महाविद्वान बैठे ने, मैं तो अनपढ़ गवार जीव हाँ, पर परख इको है कि उसकी खुराक कैसी है। साधु का बैठना, साधु का उठना, साधु का चलना, साधु का बोलना, साधु का खाना, साधु का पीना, साधु का पहनना एक पहचान है कि है कि बस उसे ही पता चल जाता है। सरवर हंस तुरे ही मेला खसमे एवे पाना सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना बगला काग न रही सरवर जे होवे अत सियाणा। लो जी बगला ते कां ओ सरोवर ते मान सरोवर ते रहिंदा ही नहीं जांदा ही नहीं भावे कितने भी सियाने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है ओना रिजक ना पायो उथे ओना होरो खाना। लो जी बगले दा जेड़ा रिजक है जेड़े खुराक है वह मान सरोवर ते नहीं है क्योंकि बगले की खुराक की है उसने रेडिया मच्छियां खानिया ने उसने हीरा मोती ते खाना ही नहीं। जेड़े सतपुरश ने महापुरख ने उन्होंने खाना की है उन्हां दी खुराक की है परमेश्वर का नाम सच का भोजन सत सत नाम आद सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। जदों इह नाम का भोजन साचा नाम मेरा उतारो आप रोज़ पढ़ते हैं रोज़ सुनते हैं साचे नाम की लागे भूख उत भुखे खाए चली है दुख। जदों सच की खुराक खाते ने सच नाम नू जपते ने सिमरते ने तो फिर तृप्त हो जाते तृप्त पई सच भोजन खाया मन तां रसना नाम दे आया। मन दी राही तन दी राही रसना दी राही जिन्होंने नाम ते आया नाम जपया नाम सिमरिया नाम सिमराया बस ओही जीवत पेखे जिन्हें हर हते आया साध संग तिनी दर्शन पाया। तृप्त पई सद भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग। सतगुरु कृपा करन रहमत करन। और दूसरी गल साधु बन वास्ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गुरबाणी ने कुछ गुण दसे ने ते साधु की पहचान करन वास्ते भी कुछ गुण दसे ने। तो जेडे संसार के लोग कहते हैं लो जी मैं फलाने संत नूं जानना मैं साधु नूं जानना मैनूं पता है वो कहो जे किवें पहचान की जाएगी। जे साधु की पहचान करनी है तेरे को गुण चाहिए ने एक सवटी चाहिए है तो जिसने साधु बनना है उस कोल भी एक गुण चाहिए। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र गुरबाणी फुरमा रही है साधु बनन वास्ते भी यह गुण ग्रहण करने पैणगे ते किसे साधु महात्मा की पहचान करने वास्ते भी यह गुण ग्रहण करने पैणगे। ते जे गुण नहीं होणगे ते फिर भरम पै जाएगा भुलेखा पै जाएगा ते फिर की होवेगा पुलावड़े पुली भुल भुल पछता हुण गुण कहड़े ने। बस आ एक विचार आप जी दे सन्मुख रख के फिर दर समाप्ति करेगा।
सतगुरु फरमा रहे ने प्रथमे त्यागी होमे प्रीत। लो जी प्रथमे पहला पहला गुण पहली कसवटी है केड़ी? साधु बनना है तावी ये गुण ग्रहण करना पाएगा, जे साधु की पहचान करनी है तावी ये गुण ग्रहण करना पाएगा, ऐवें नहीं हो सकती। वो गुण की है होमे दे नाल, होमे की है हंगता ते ममता, मैं हां बस इस दे नाल प्यार ही छड़ दिता जाए ते खिमा कर देना इस दे नाल तो साड़ा सब था प्यार है। हाँ भी मैं हाँ ना, मेरी को अस्थि है, मेरी को पाया है, मेरी को ताकत है, मैं कुछ हाँ कि तू मैंने जानता नहीं। चलो आम मनुख की गलते की करनी, जेड़े परमार्थ के मार्ग से चलन वाले नहीं, ये होमे दे नाल प्रीत वह भी नहीं छड़ सकते। क्यों? क्योंकि प्रीत त्यागनी है ही बहुत कठिन, कोई सौखी नहीं है। प्रथमे त्यागी होमे प्रीत, किमें नहीं छड़ सकते। जदों भी थोड़ा जा इस पास असी चलते हाँ तो हंकार तो उस वेले आ जाता है, जे मैं ना हुंदा ते चंगा काम ना हुंदा, जे मैं आ ना करता ते आओ ना हुंदा। आप सबनों पता है मैं इस पास बहुत आना जावा, किमें होमे आ जाती है? हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। लो जी हम, बस हम रह गए। हम बड़ कब, मैं बहुत बड़ा करूंगा। वो गल वखरी है कि कविता लिखी किसी ने, पढ़ी किसी ने, तू सुन ली है ते सुन के चुरा लिए तो थले नाम अपना पढ़ लिया, वो गल वखरी है। पर फिर भी हंकार तो इतना है ना कि मैं हाँ कुलीन, मैं उच्ची कुल वाला, हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, मैं बहुत बड़ा विद्वान है, मैं उच्ची कुल विच, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कबे नानासी। बस हम ही हम रह जाते, हंकार ही हंकार रह जाता है। सतगुरु रहमत करन, ए हंकार दे नाल प्रीत का त्याग कर देना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्वामी तुलसीदास जी ने भी एक गल साफ कह दी, वंगार के कह रहे ने, ऐसा को जन्म्यो जग माही, है कोई ऐसा जेड़ा इस जगत में जमया होवे प्रभता पाए, जिसने कोई प्रभता मिल गई है, कोई मान वड्याई मिल गई है, चाहे किसी पक्ष की, उच्ची कुल का भी बड़ा वड्डा मान है, कवि होने का भी मान है, कथाकार होने का भी मान है, रागी पाठी प्रचारक होने का भी एक बहुत वड्डा मान है। ऐसा को जन्मियो जग माही प्रभता पाए, जास मद नाही। हुण प्रभता भी मिली होवे, मान सत्कार भी मिलिया होवे, चाहे सरकारी दरबारी क्यों ना मिल जाए, मनुखता वही है ना, जिस दिन पंच बन जाता है हंकार बच जाता है, तो वही पंचा विच जदों सरपंच बन जाता है हंकार होर बच जाता है। ऐसा को जन्मियो जग माहे प्रभता पाए, जास मद नाही। लो जी प्रभता भी मिली होवे, मान वड्याई भी मिली होवे, तो फिर अंदर हंकार ना होवे। स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा को जन्मियो, है कोई जमियो, भाव की है बिरले ना ही घने फैल फकड़ संसार। ए पहली एक गुर है, एक कसवटी है साधु बनने वास्ते ते साधु की पहचान करने वास्ते। प्रथमे त्यागी होमे रीत, प्रथमे त्यागी होमे प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत। लो जी द्वितीया दूजी शर्त, लोगों की रीत, जेड़ी लोगों की मर्यादा है उसनू त्याग देना तो बड़ा मुश्किल है।
जो लोग कर रहे ने वो करना तो बहुत सुखाए ने, चाहे कोई भी करन, पर लोगों के पिछे चलना यह बड़ा सौखा है, पर अपना रस्ता बना के चलना यह बहुत औखा है, बहुत औखा है। इस वास्ते सतगुरां ने फरमाया भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। लो जी जोड़ संबंध कदे आउंदा नहीं, क्योंकि जेड़े परमेश्वर के भगत ने वो लोगों की रीत, लोगों की मर्यादा, लोगों वाले कर्म वो त्याग ही देंदे। प्रथमे त्यागी होमे प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग, तिने गुण रजोगुण तमोगुण ते सतोगुण, इन्हां तिन्हां नूं त्याग देना, ते सारा संसार इन्हां तिन्हां गुणां विच ही विचर रहा है। खिमा कर देना, त्रै गुण त्याग, ते चौथी शर्त एक होर दस दित्ती, दुर्जन मीत समाने, दुर्जन खोटे मनुख, जेड़ा बुरा बोलन वाले ने, बुरा सोचन वाले ने, तेरे नाल बुरा करन वाले ने, ते जेड़ा तेरा मित्र है, जेड़ा तेरा हमदर्द है, जिस नाल तेरी मित्रता है, प्यार है। लो जी दोनों नू बराबर जान लेना, बराबर समझ लेना, ये बहुत कठिन जे, बहुत कठिन। जेड़ा दुर्जन है उस नाल ते असीं नफरत करते हैं, जिहड़ा साडा मित्र है उसके नाल असीं प्यार करते हैं, गल वखरी ते लै लैंदे। दोनों नू बराबर, जिन्होंने बराबर समझिया उन्होंने पुकार के कह दिता, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। लो जी चार त्रै गुण त्याग, दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने। लो जी फिर साधु की पहचान आएगी, जब तुरिया गुण चौथी सहज अवस्था में आदमी पहुंच जाएगा, तो सहज अवस्था में कदों पहुंचेगा, जब सहजे सहजे परमेश्वर का नाम जपेगा, हर का बिलोमना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। सतगुरु कृपा करन, रहमत करन, सतपुरशां दी महापुरखां दी पंजवीं बरसी के समागम में जुड़ बैठे हाँ, तो एक एक अरदास कर देनी, देहो सज्जन असीसरिया जो होवे साहब स्यों मेल, यो एको एक अरदास है कि सतगुरु कृपा कर, बख्शिश कर, साढ़े भी निभ जाए। हो कृपाल स्वामी मेरे, संतां संग बिहावे, तू तो भुले से जम जम मरदे, तिन कदे ना चूकन हावे। सतगुर कृपा करन, रहमत करन, यो अरदास करनी, भुल चुक दी खिमा बख्शनी। सारे फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।